आई थिंक uh, उनको भी मजा आएगा इसलिए मैं थोड़ा सा जोड़ सकती हूँ एक छोटी सी बात जैसे टोरंटो में भी फेस्टिवल मैं कई बार जा चुकी हूँ अपनी पुरानी दूसरी फिल्मों के साथ बट इस बार जब मैं गई तो कपिल के बहुत सारे फैंस आए जो कभी शायद फेस्टिवल में नहीं आए तो मैं भी सोच रही थी पहली हमारी स्क्रीनिंग थी मुझे लगा कि अच्छा इनका क्या रिएक्शन होगा इन्होंने तो इस तरह की फिल्में ही शायद नहीं देखी हैं वो क्या डिसअपॉइंट जो आपने बताया कि डिसअपॉइंट हो गए और उनके जब जब उन्होंने सवाल करने शुरू किए या उनसे जब बात हुई आखिर में वो बहुत ही इनफैक्ट खुश थे उन्होंने कहा कि उस रूप में तो हमने उनको देखा है एक नए रूप में देखने की जो हमारी एक क्यूरियोसिटी थी तो डिसअपॉइंटमेंट का एक्चुअली उल्टा हुआ कि उन्होंने एक अलग रेंज में देखा तो हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हमें ऐसा है तो हम वही देखते जाएं पर अगर हम जैसे मैंने पहले भी कहा खुले दिमाग से देखें तो आपको एक नए अवतार में दिखेंगे ये जो शायद पहले आपने कभी नहीं देखा जैसे मैंने जब शादी की ना तो मुझे भी डर लग रहा था मैंने आज तक कभी शादी नहीं की करनी चाहिए या नहीं <laughs> <laughs> अच्छा होता है कभी कभी <laughs> <laughs> कुछ नया करना Yes. So, uh, but uh,

चीज़ें आती है स्क्रिप्ट आती है दिल मेरा दिमाग तो उसमें चलता ही नहीं है जहाँ अंदर से एक फीलिंग आती है कि इस चीज़ को करना है तो ही मैं करती हूँ चाहे वो मेरे दोस्त बना रहे हो चाहे वो कोई और बना रहा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इट्स लाइक like, अंदर से एक आवाज़ आती है कि करना है या नहीं करना है तो uh, वो शायद बचपन से ही था बिल्कुल शुरुआत से मेरे लिए वही मेरा गाइडिंग फोर्स रहा है एंड शायद दैट हैज़ लेड मी टू मेक एंड डू वर्क दैट फिट्स मी एंड दिट तो अब उम्मीद ये है कि मैं और काम करूँ मैं भी चाहती हूँ और काम करूँ और आ, लोगों के सामने आऊँ काम लेके लेकिन ये है कि वो फिट होना चाहिए वो एक जो अंद, एक क्रिएटिव एक सोल की नीड होती है एज एन एक्टर वो पूरी पूरी होनी चाहिए और मेरे लिए कोलाबोरेटिव प्रोसेस है हम जो देखते हैं वो एक चीज है लेकिन मेरे लिए ये जो मजा है फिल्म एज एन एक्टर वो ये है कि हम सब साथ में किस तरह से काम करते हैं उस दौरान जब हम शूट कर रहे हैं वो क्रिएटिविटी जब साथ में बिखर रही है फैल रही है बन रही है वो जो प्रोसेस है जो मैजिक होता है उसमें मुझे ज़्यादा दिलचस्पी है तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि कौन से लोग हैं क्या है वो वो जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए वो मुझे पुल करता है आकर्षित करता है टूवर्ड्स अ प्रोजेक्ट तो, प्रोजेक। तो यहाँ पे तो दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज नंदिता के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ एंड आई लव वर्किंग विथ लाइक शी सेड एज अ ह्यूमन बींग एंड एज अ डायरेक्टर आई थिंक शी इज़ फैंटेस्टिक एंड उनके साथ फिर से काम करने का मौका ये तो मैं वेट ही कर रही थी मुझे लगा मिलेगा कि नहीं पता नहीं तो आई एम ग्लैड कि उनकी थर्ड फिल्म तक मुझे मिल गई अपॉर्चुनिटी और कपिल के साथ जब उन्होंने मुझे बताया भी था कहीं मुझे ये लगा कि हाँ ये अनयूजअल चॉइस है लेकिन फिट कर रहा है पता नहीं क्यों एंड जब उनसे मिली तब तो मैंने कहा ओके okay, ये बिल्कुल ही मतलब इट्स द मोस्ट ऑब्वियस लेकिन आपकी आंखों के सामने है वो चॉइस लेकिन आप कभी सोचेंगे नहीं ओनली समबडी लाइक केमिस्ट्री भी बहुत फैंटास्टिक है फिल्म में जो आप क्योंकि इंसान अच्छे हैं ना वही मैं लड़कियों के <laughs> साथ मेरी हो ही जाती है एक आखिरी सवाल नंदिता जी जी विद ऑल यू वन लास्ट वन लास्ट विद विद ऑल नॉट द मॉडरेटर बट नॉट द वन लास्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट लाइक आई से शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस बट अस वी हैव सीन हाउ वेल यू डायरेक्टेड

जिसने भी मुझे सेट पे देखा है और अभी ज़्यादा नहीं है यही दो हैं जिन्होंने सेट पे देखा है तो वो आपको बता सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी अपनी फिल्म में नहीं कर सकती क्योंकि मैं पागल हो रही होती हूँ उस समय बहुत सारी चीज़ें करने की होती हैं एंड मैं हर डिपार्टमेंट में घुसी हुई होती हूँ आई एम ए वेरी हैंड्स ऑन डायरेक्टर इन एवरी तो मेरे लिए वो उसके सामने आना और फिर अपने बाल ठीक करना और फिर वो उस मार्क पर आना जो अटेंशन एक एक्टर को भी चाहिए यू you नो know, पूरे उस कैरेक्टर में घुस जाना वो अभी तक तो नहीं हुआ बट होपफुली uh, मैं धीरे धीरे अभी तो तीसरी फिल्म है तो जैसे करूंगी, तो जैसे ज़्यादा शायद हो सकता है। ऐसी एक कहानी है वैसे अब आप, पूछ रहे तो बता देती हूं। <laughs> एक कहानी है पर अभी पता नहीं वो कब होगी अगर एक सेकंड प्लीज का अधूरा सवाल रेडी है प्लान था रिलीज करने के लिए तो वो कर रहे हैं जस्ट ऑन विन यू आर टॉक अबाउट कॉमेडी यू नो दैट कॉमेडी एंड मूवीज हम लोग जुगैटो को ऐसे नहीं देखते हैं कि ये कुछ नीच पिक्चर है या कुछ इंडी या आठ हाउस या, या कुछ है यू नो इट्स अ वेरी मेन स्ट्रीम पिक्चर इट्स अ वेरी यू नो हम 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 सबकी कहानी है इट्स अ वेरी ब्रॉड बेस्ड पिक्चर सो वी वॉन्टेड टू गो टू द थियेटर्स ताकि ज़्यादा लोग देख सकें एंड ज़्यादा वर्डो माउथ स्प्रेड हो यू you नो know, कि वॉट दिस इज अबाउट इट इज़ नॉट अ सैड पिक्चर इट्स नॉट अ इट्स नॉट अ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बट इट्स अ न्यू काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल Uh, so, uh, I'll, I'll okay. कि okay. कहानी कहा है और ट्रेलर के माध्यम से भी नजर आता है क्या पैगाम देना चाहते हैं आप जब मैं ऑडियंस की बात करता हूँ आम आदमी की बात करता हूँ आदमी इससे रिलेट कर सकेगा ऐसा ट्रेलर से महसूस होता है क्या मैसेज देना चाह रही है फिल्म ये सवाल और आपके लिए जैसे आपने कहा कि आप भूसान में थे जहाँ लोग आपको जानते नहीं थे लेकिन आपने देखा आपकी वाइफ ने बताया कि देखिए वो रो रहे हैं क्रिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करा जाना वो वो कितनी उम्मीद है आपको जी सर पहले तो ये है कि आ, ये फिल्म की जो कहानी है जैसे समीर सर ने कहा कि इसमें आपको कहीं हंसी भी आएगी कहीं आप सीरियस भी हो जाएंगे कभी आपको उसके साथ एक हमदर्दी भी होगी सारे रंग हैं जो जिंदगी में होते हैं और बाकी इसमें मैसेज ये है कि शायद हम सबकी ज़िंदगी में यू you नो know, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल पे सबकी ज़िंदगी में कुछ हर्डल्स आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन उसको लेके बैठ जाना और उसी को लेके रोते रहना ये भी जिंदगी नहीं है सो so, आगे बढ़ते जाइए अपना काम करते जाइए कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है सो so, उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो सो so, आप आप यू uh, नो you know, आप अपना काम करते जाइए शिद्दत से कहीं ना कहीं भगवान को अपना काम करने दीजिए तो ये इस फिल्म में आपको देख के सारे रंग जो हैं देखने को मिलेंगे और दूसरा सर मैं भूल गया सॉरी आप सर मुझे लगता है कि आ, मुझे शायद एप्रिसिएशन नहीं मिले लेकिन इस किरदार को अप्रिसिएशन मिलने चाहिए अगर आप आप उस किरदार को देख रहे हैं अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं अगर उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है मानस को तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं यू you नो know, मैं खुश होऊंगा कि हाँ यार मैं उस किरदार को सही से निभा पाया सो so, बाकी लोग प्यार तो पिछले पंद्रह साल से कर रहे हैं <laughs> लेकिन ये जो है इसको देख के मैं खुद आ, जब मैंने अभी ट्रेलर देखा

उनको हम कैसे वापस पर्दे पे लाएं? उनकी कहानियां कैसे देखें इसका अगर आप एक फिल्म का मेन मकसद अगर आप सोचेंगे तो ये हम सबके लिए शायद मैं, सब कि ये है कि हम उनको विजिबल करना चाह रहे स्टोरी बैक वेयर इट शुड बी और एक आई थिंक जनरली एक हमदर्दी आई थिंक हमदर्दी एक चीज है जो हमने कोविड के थ्रू भी देखा है सीखा है और हम एक दूसरे को देखना बंद कर दिया था मतलब एक आसपास के लोगों को हमने ऑलमोस्ट एक मतलब अपनी जिंदगी में इतने धुत हो गए थे कि आसपास की जिंदगी दिखती नहीं थी तो यहाँ पे एक इंसानियत के तौर पे हमदर्दी वापस जताना या लोगों में महसूस कराना आई थिंक दैट्स आल्सो अ वेरी की पार्ट और जिस तरीके से जैसे शानों ने कहा मैम ने कहा कि जब पेंडेमिक था यू you नो know, हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था तब हम छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया hmm. एक डोमेस्टिक हेल्प हमारे घर में कितनी इंपॉर्टेंट होती है आप सोचिए अगर आपके घर का कोई डस्टबिन उठाने ना आए छः दस सात दिन तक तो आपकी होश ठिकाने आ जाएगी और हम लोग इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम कभी उनको थैंक यू नहीं बोलते या शायद उनकी शक्ल भी नहीं हमें पता होती है कि कौन आता है सो so, uh, मुझे लगता है कि जो हम वो दो तीन साल पैंडमिक के दौरान रहे अगर वो हमारा बिहेवियर जो है ताउम्र आ जाए हमारे अंदर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने से आ जाएगा आई थिंक वो अगर रहे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है और हम छोटी-छोटी चीजों के लिए अगर किसी को थैंक यू बोल दें तो आप तो यू नो उसका भी एक परिवार है उसको भी 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 होगा कि कि मैं भी आज कुछ काम करके आया सो so, uh, मुझे लगता है ये ये फिल्म से भी लोगों को शायद अगर दो लोग चीज सीख गए

In our country as well, and uh, this is a film that addresses it. Or especially जो हमारे पुराने जो traditional working spaces थे जहाँ पर colleagues होते हैं आपके साथ काम करने वाले दस लोग होते हैं कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप उनसे share कर सकते हैं आपके पास boss होते हैं कुछ आप उनसे अगर कोई दिक्कत है तो शायद उनके पास जा सकते हैं ये जो नए जो गिग इकोनॉमी की वजह से एक जो नया फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो अच्छा भी है क्योंकि बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल भी रहा है लेकिन उसके साथ उसके अपने चैलेंजेस भी हैं आप अकेले चले जा रहे हैं आपके पास बस एक फ़ोन है और यू you नो know, हमारे जैसे देश जहाँ पर इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इस सब का इतना पता नहीं है या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो बहुत दिक्कतें आती हैं तो इसमें एक टेक्नोलॉजी और एक ट्रेडिशनल सोसाइटी इसका जब एक मिक्सअप हो जाता है तो कुछ अलग सी चीज़ हो जाती है अलग से नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उससे कैसे जूझें

बिना डर का माहौल होता है और आज आपके चेहरे पे मुझे इतना डर दिखाई दे रहा है और आप इतने टेंस दिख रहे। रहे। तो दिख रहे रहे हैं हैं भी आप मतलब आपके चेहरे पे हंसी नहीं।, नहीं है तो वो हंसी है आई थिंक मैं बड़ा समझदार आदमी हूँ जिस तरह जैसा माहौल हो वैसा हो जाता मतलब हाँ उस शो में देखिए जैसे मैंने पहले कहा वहां पे हमारा काम ही यही है कि कोई सीरियस बात भी कर रहा हो तो उसको भी मैं मोल्ड करके उस तरफ ले जाऊँ आई थिंक ये बातें यहाँ पे फिल्म को लेकर हो रही थी तो इसलिए मैं थोड़ा गंभीरता से सुन रहा था okay, okay. क्योंकि क्यूँकी आपको ऐसा तो नहीं कि डर लग रहा है कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है तो इस तरह से से नहीं 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 मैम ऐसा कुछ नहीं है है <laughs> ऐसी डर वाली बात बट मैं मैं गंभीरता से सुन रहा था सब बातें तो इतने इंटेलेक्चुअल लोग मेरे ग्रुप में कम ही है okay. तो मैं इसलिए ध्यान से सुन रहा था कि नंदिता जी क्या बोल रही है मुझे ये पूछना था हमेशा से मेरे दिल में सवाल है ये कि आप है ना एक्टर और कॉमेडियन से अच्छे सिंगर भी हैं

Uh, मुझे नंदिता मैम ने इतनी लिबर्टी दी थी स्टार्टिंग में कि अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो हम इस प्लॉट को कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज हर जगह डिलीवरी बॉय हर जगह ये कहानी है तो मैंने कहा नहीं फिर मुझे क्या फ़ायदा हुआ नंदिता दास के साथ काम करने का <laughs> आप आप करवाओ मुझसे जो आप करवाना चाहते हो तो आ, आ, इतना मुश्किल नहीं था अगर आप देखो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है uh, हम बोलते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है आप किसी भी स्टेट में चले जाओ पंजाब वालों की हिंदी जो है वो समझ में आ जाएगा आपको ये पंजाबी आदमी हिंदी बोल रहा है यूपी वालों की हिंदी अलग है बिहार वालों की अलग मध्य प्रदेश की अलग है आ, बेंगलोर वालों का अलग है सब है ना मुंबई की तो सब लोग अपना एक लोकल तड़का लगाते हैं सो so, इसमें जो एक्सेंट जो उसका कैरेक्टर का जो लिंगो है जो भी आप कह लें वो है कि वो घर में है जब शायद अपनी बीवी से तो टिपिकल उस लहजे में बात करता है बच्चे उसके शायद कुछ अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है वो कोशिश कर रहा है कि अच्छे स्कूल में जाएँ उनके साथ वो हिंदी में बात करता है जब बाहर क्लाइंट को डिलीवर करने जाता है तो जिस तरीके का क्लाइंट है थोड़ी इंग्लिश भी बोल लेता है क्योंकि वो शायद पहले कोई और अच्छी जॉब पे था सो so, इतना मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि हम लोग हम समाज में हमारे आ, हर तरह के दोस्त भी होते हैं मेरी टीम में भी मेरे शो में भी बहुत सारे लोग हैं जो झारखंड से इनफेक्ट एक लड़का मानस भी है हमारी टीम में शायद आया भी होगा है? आया है मान? हाँ तो कहीं ना कहीं आपकी मुझे लगता है ट्रेनिंग तो बचपन से चल रही होती है यू नो और हिंदुस्तान बेस्ट है मुझे लगता है किसी ड्रामा स्कूल जाने की जरूरत नहीं है अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हो जाओ ना तो बड़ी सारी चीजें आपके साथ वैसे ही आ जाती हैं, वैसे ही सीख जाते हो सो so, इतना मुश्किल नहीं था मैम हेलो हेलो यार राइट सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन चिल्ला लो अच्छा लेट हिम आस्क आई विल कम टू यू जी राहुल मेरा सर मैं ना बड़ा मैं ज़्यादा ऐप फ्रेंडली हूँ नहीं मेरे फोन में ज़्यादा ऐप्स हैं नहीं तो मेरी वाइफ हैं मैं वैसे घर का ही खाना खाता हूँ शादी के बाद कभी गया नहीं बाहर तो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस कर दिया मेरी वाइफ ने मुझे तो मैं बहुत कम खाना खाता हूँ बाहर का कभी कभार मन होता है तो मंगवाते है, मेरी वाइफ के पास ही ऐप है पर हाँ एक किस्सा था मैंने मैम को भी बताया था हमारे हमारे घर में एक स्टाफ हमारे अर्जुन भैया हैं उनका बर्थडे था तो केक मंगवाया मेरी वाइफ ने तो वो जो केक लेके आया बंदा वो शायद पलट गया होता ना कभी कि उसका जो साइड थी पलट गई तो सारी क्रीम व्रीम जो डब्बे पर लग गई तो मेरी वाइफ आई बोलती वो वापस जा रहा है केक लाने उसका केक पलट गया मैंने कहा उसको रोक रोक तो शायद वो अभी लिफ्ट की वेट ही कर रहा था तो लिफ्ट आई नहीं थी तो मैं गया मैं कहा भैया हमें हमने वैसे भी काट के खाना यार दे दो शायद मैं इतना पहले ना सोचता मुझे मुझे शायद ये लगता है कि ये रूटीन प्रोसेस होता है अगर पलट गया केक तो शायद लाते होंगे लेकिन जब ये फिल्म करी तब मुझे लग, पता चला कि नहीं यार ये बंदा शायद जिस कंपनी से लेके आया है वो प्रोडक्ट वो भी इसको डांटेंगे शायद जेब से देने पड़े उसको और हमने तो वैसे ही खाना था तो यही मेरा एक किस्सा है पर शायद ये फिल्म नहीं करता तो शायद मैं इतना सेंसिटिव नहीं होता मुझे पता नहीं चलता कि ऐसा भी होता है सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू आई नो वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम सो वी हैव टू रैप दिस अप थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन मयूर भाई सॉरी पाजी नेक्स्ट टाइम एंड यू नो आई हैव टू से

कौन कौन सा सा ऐसे? अच्छा ये कह रहे थे, वाला? हाँ? जो गाना आपने मेरे लिए नहीं कोई नहीं वो अभी आ, बहुत सारे इवेंट करेंगे हम कहीं मैं सुनाऊंगा आपको ऐसा ऐसे कुछ याद नहीं है दिमाग में पाजी आपको तो समझ में आ जाएगा आप पंजाबी हो वो पंजाबी सॉन्ग है क्यों कैसे पता चलेगा कपिल लेगा? आपने मेरे लिए गाया था याद है मैं आप सबके लिए गाता हूँ <coughs> आप थोड़ी थोड़ी है? मंगवा भी लो फिर माहौल तो बना ही रहे आप गजल का नहीं नहीं सीरियसली गजल गजल आप सबके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि तुम आ गए हो आ गया है नहीं तो चरागों से लो जा रही थी ऐसे याद आ गया आप सब शुक्रिया थैंक यू थैंक यू फॉर योर टाइम शुक्रिया और इस फिल्म के को अच्छे से प्रमोट करिएगा क्योंकि हमें अच्छी अच्छी कहानियां जो ऐसी बननी चाहिए सो so, मैंने भी दिल से

Hey hoo-boo!